मक्खन लीजिए ना। थैंक यू। नीना, मैंने तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी से वादा किया था कि जब तुम सियानी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह तय करके तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आज वो दिन आ गया है। हमने तेरे लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। ओ चाची जी, शर्म आती है। लीना को उसकी तस्वीर तो दिखा दो। ओ हाँ, ये देखो लीना। लड़का पसंद आया? अगर ये महाशय मुझे कभी रास्ते में मिल जाए तो मैं इसके हड्डी का चूरमा और इसके गोश्त का कीमा बना दूंगी। ये क्या बदतमीजी? कान खोल कर सुन लो, अगर शादी होगी तो इसी लड़के से। और आप भी आंखें खोलकर देख लीजिए, अगर आप लोगों ने इस लड़के के लिए जिद की तो मैं सारे घर को जला चमकूंगी। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं खुद से शादी कर लूंगी। जानती हूँ कि जिंदगी बहुत सुंदर है और मैं इसके एक एक पल का मजा लेना चाहती हूँ, लेकिन यार ये चाचा जी ने जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा, और जैसे तूने चाचा जी का जीना नहीं मुश्किल किया, एक तो वो बेचारे अक्सर बीमार रहते हैं, दूसरे दो बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। वो क्या गलत सोचते हैं कि अपनी जिंदगी में तेरे हाथ पीले कर दे? मेरी मर्जी के खिलाफ जो मेरे हाथ पीले करेगा ना, मैं उसके हाथ नीले कर दूंगी। ये भी क्या है, हर वक्त शादी की रस्म, सवेरे ब्रेकफास्ट पर शादी का भाषण, दोपहर लंच पर शादी पे लेक्चर, शाम की चाय पर शादी, रात के डिनर पर शादी, शादी शादी शादी। अरे यार, मैं शादी तो करूंगी लेकिन कोई अपनी पसंद का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तू तो जानती है आज तक मैंने जो भी काम किया अपनी पसंद से किया, और शादी भी तो मैं अपनी पसंद से करूंगी। अच्छा लीना, तू आज तक कितने लड़के नापसंद किए जा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में तुझे कालिया, जाड़िया, गोबर गणेश मिले। अरे तू तो जानती है कि मैं सच्चे दिल से कोशिश कर रही हूँ कि कोई मेरे लायक ठीक ठाक लड़का मिले, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। और फिर क्या, हम दोनों ने कम कोशिश की है? तुम्हारे कहने पे तो मैंने अखबारों में इश्तेहार देना भी मंजूर कर लिया है। अरे हाँ, अरे वो एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ? छप गया है भाई। ये देख, मैट्रिमोनियल कॉलम, जरूरत है एक बड़े घर की खूबसूरत कुंवारी कन्या के लिए
एक बड़े घर के बर की। लड़का खूबसूरत होना चाहिए, बिजनेस में हो चाहे मुलाजिमत में, मगर आमदनी 5,000 रुपए महीने से कम ना हो। अपनी दरख्वास्त इस पते पर भेजिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 999। जम रहा है। ठीक है, गुड लक लीना। पहला लेटर है झूमर तलैया के प्रेम कन्हैया का। वाह, मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हाय हाय, हैरान हूँ मैं आपको इस खत में क्या लिखूं। वाह 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 वाह, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। संगम का गाना है, देख तू भी हिंदी माला और राजेंद्र कुमार। आगे पढ़ना, कमबख्त ने क्या लिखा। हाँ, एक बार रेडियो सिलोन पर या विविध भारती पर फरमाइशी गीत जिसने सुने होंगे उसने मेरा नाम जरूर सुना होगा। मेरी बस दो ही हॉबीज हैं, एक फरमाइशी गीत सुनना और दूसरे दिल के टुकड़े चुनना। वेरी गुड, यानी इनकी जिंदगी का मकसद यही है। बेवकूफ इडियट कहीं का, इस जोकर से मैं शादी करूंगी। सरंगापट्टनम से LD सुब्रमण्यम मटराज। अयो, क्या लिखते जी? देवी जी, ये बहुत बहुत नमस्कारम। तुम्हारा एडवर्टीजमेंट पढ़ को और उसी समय टाइम नोट कर को अपने फैमिली ज्योतिषी यंगो वेलियो से मिला, इसलिए कि इसके पहले यंगो वेलियो ने मेरे को 5 बार मैरिज का एडवाइस दिया था जी, पर 5 बार मेरा आने वाला बीबी शादी के पहले मर गया। यो यो, लास्ट वाला तो अभी अभी 1 महीना पहले मर गया। यो यो, अब यंगो वेलियो हमको बोला कि इस बार मेरे स्टार्स बिल्कुल ओके, इमीडिएटली सगाई का एप्लीकेशन भेज देना, अभी सक्सेसफुल होगा। रे लीना, बोल दे रे तू भी। आई आई, हमको माफ करना जी, इसको जरा कचरा का डब्बा है ना उसने फेंक दिया। एक लड़का भी ढंग का नहीं। जाओ। अब ये तू ही पढ़, मेरा तो मुंह दुख गया पढ़ते पढ़ते। एक और भी है? चलो। मिस बेनाम, माफ करना, आपका इश्तेहार पढ़कर मुझको ऐसा लगा जैसे आपको किसी पति की नहीं किसी बैरे या ड्राइवर की जरूरत है जो 24 घंटे आपकी ड्यूटी बजाए। फिर इस बैरे नुमा खाविन का बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। क्या आपका इरादा किसी मिल्टन या शेक्सपियर से शादी करने का है? अगर ऐसा है तो बंदे को माफ कीजिए, माफ कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि आपने अपना नाम और पता नहीं लिखा, सिर्फ पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है। मतलब यह है कि या तो आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं जिसके काफी चांसेस हैं, या आपका कोई हार घर न घाट, शायद आप किसी लॉजिंग हाउस में रहती हैं और क्लर्की करते हुए मेरे जैसे रईस दादे से शादी का ख्वाब देखती हैं। तो मिस बेनाम, आपका यह ख्वाब चोरी छुपे पूरा होने वाला नहीं, बेहतर यही है कि आप आसमान से ख्वाब देखने के बजाय जमीन पर आ जाइए फौरन। गुड बाय, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर 007 देहरादून। वाह वाह वाह, दिल तोड़ लेटर लिखा है लीना। दिल तोड़ लेटर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिस्टर गुमनाम, आपका लेटर पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ। मर्द होकर औरतों की तरह शर्माते हो और हमसे अपना नाम पता छुपाते हो। अगर सचमुच शादी करना चाहते हो तो मर्दों की तरह मैदान में आओ, अपना अता पता बताओ, फोटो दिखाओ, जायदाद बताओ, वरना गेट आउट हो जाओ। मिस बेना, पोस्ट बॉक्स नंबर 999। मिस बेना, तुमको 5 फोटो भेज रहा हूँ, 2 मेरे हैं, 2 मेरे फार्म के और 1 मेरे बंगले का। कहीं तुम गलती से मेरे बंगले को मेरा फोटो ना समझ बैठो, उल्लू का पट्टा। वैसे भी औरतें मर्द की शक्ल से उसकी जायदाद पर ज्यादा आशिक होती हैं। इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि हमारा फार्म 120 एकड़ का है। गेहूँ, धान और दाल के अलावा हम सेब, अखरोट और नाशपाती की काश्त भी करते हैं। सॉलिड पार्टी। ना हमारा कोई पार्टनर है ना हाथी। सॉरी, साथी। बस एक जीवन साथी की कमी है, तुम्हारा सुशील कुमार देहरादून। कुछ समझदार मालूम होता है। तेरा चौकटा तो देखे, फोटो भेजा ना। वाओ वाओ लीना, हैंडसम स्मार्ट। हाँ कर दे, देख फौरन हाँ कर दे। नाम भी कितना खूबसूरत है, सुशील कुमार। आह,
तो बड़ा बुरा नहीं यार। जायदाद भी माकूल, मेरे ख्याल में तो इसे खत लिखना चाहिए फौरन। अभी अभी फटाफट। मैं भी घर पे टेलीफोन करके राइटिंग पैड मंगवा लेती हूँ। ठीक है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तुम्हारी शादी न करने का सवाल ही क्या उठता है? जब बड़ों ने कह दिया शादी कर लो तो करनी ही पड़ेगी। आप लोगों ने मुझे कोई भेड़ बकरी समझ रखा है, जिसके खूंटे से बांधे उसी की हो जाऊंगी। सुन लिया आपने? देख रही हो ना? सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तो क्या, मेरे पलंग की चादर भी नहीं बदल सकती। तो तुम भी याद रखो, तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक शादी से पहले तुमको तुम्हारी जायदाद में से पाई भी नहीं मिलेगी। मगर कल जो लड़का इसे देखने आ रहा है उसका क्या होगा? उसका मर्डर होगा मेरे हाथ। क्या कह रही हो? इसलिए कि मैंने अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है। क्या? हाँ, उसका नाम सुशील है। कॉलेज में हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। देहरादून का बहुत बड़ा रेस है। हम दोनों शादी कर रहे हैं। अपने चाचा और चाची को पूछे बगैर फैसला कर लिया? लेकिन अब तो बता रही हूँ ना। मगर हमें भी तो कुछ पता चले, लड़का कौन है कैसा है। तुम उसको और उसके रिश्तेदारों को यहाँ बुलवाओ, हम देखेंगे बातचीत करेंगे। जब तक हम लड़के को नहीं देखेंगे तुम शादी का फैसला नहीं कर सकते। जब बेवकूफ लड़की है, इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। दुल्हा का तो पता नहीं और दुल्हन मेहंदी लगाने बैठ गई। वाह 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 वाह। अब अगर सुशी ने इनकार कर दिया तो क्या करेगी? ये तो मैंने सोचा नहीं पुष्पा, अब क्या होगा? मेन साहब, ये आपका खत। फ्रॉम सुशील कुमार देहरा। तुम्हारे साथ शादी हो सकती है पुष्पा। अरे यार, मैं बच गई, साफ बच गई। उसे रिश्ता मंजूर है और उसने मुझे शादी के लिए देहरादून बुलाया है। देहरादून? देहरादून? ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है क्या? अरे लड़के वालों के घर कब शादी हुई है? लेकिन उसने लिखा है कि अगर शादी करनी है तो मॉर्निंग एक्सप्रेस से सीधा संडे को देहरादून चली आऊं। वहां वो मुझे लाल रंग का सूट पहने हुए स्टेशन पर लेने आएगा और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेगा। लेकिन यार एक शर्त है उसकी। उसने लिखा है कि मैं बिल्कुल अकेली आऊं, मेरे साथ दूसरा कोई भी ना हो, और अगर मैं किसी को लेके आई तो शादी खत्म। तू जाएगी? जाना ही पड़ेगा। चले, तुझे जाने ही नहीं देंगे। देख क्या, चाचा जी और मुझे परमिशन नहीं देंगे? अरे उनसे इजाजत लेना कौन सी मुश्किल बात है। वो शोर मचाऊंगी, उन्हें इजाजत देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले देहरादून जाने की इजाजत नहीं दूंगा, और वो भी शादी के लिए। इम्पॉसिबल। मगर क्यों? लीना, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, तुम्हारे भले बुरे का जिम्मेदार। और फिर हमने लड़के को आज तक देखा नहीं। गोरा है, काला है, खानदान कैसा है? मैं जब तक लड़के को देख ना लूं तुम्हें देहरादून जाने की इजाजत नहीं दूंगा। सोनिया की माँ। क्या हुआ? लीना की चिट्ठी है, वो 10 बजे की गाड़ी से देहरादून जा रही है, सुशील से शादी करने। शादी करने? हाँ। हम लोगों के मुंह पर कालक लगाकर शादी करने चली गई, और वो भी अकेली? बिल्कुल अकेली। तो फिर आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, वरना हम लोगों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। यानी अपने ही शहर में अपनी ही बेइज्जती का ढिंढोरा पीट दूं? सोनिया की माँ, क्या तुम नहीं जानती हो कितनी जिद्दी लड़की है? वो अपनी हट पूरी करके रहेगी। इसकी हट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हम लोगों की नाक कट जाएगी, उसका क्या? अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अभी स्टेशन जाता हूँ। इस लड़के को क्या करना चाहिए? मुझे लेने आए? नहीं लेना, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम मेरी मर्जी और खुशी से जा रही हो। ये लो रुपए। वहां तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी बेटी, रखो इसे, रख लो। चाचा जी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। मैंने आपको और चाची जी दोनों को नाराज किया, फिर भूलोगे? नहीं बेटी, कुछ ख्याल मत करो। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। और सुनो,
जो लड़का तुम्हें पसंद है उसी से शादी करो, समझी? खाली ना, मैं तुम दोनों की वापसी पर एक शानदार पार्टी दूंगा, समझी बेटी? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, बुलाओ पुलिस टिकट। अच्छी तरह देखो टिकट। टिकट भी देख रहा हूँ और चेहरे का उड़ा हुआ रंग भी देख रहा हूँ। ऐसा लगता है आप जरूर घर से भागी हैं, किसी की याद में रात पर जागी हैं। तुम कौन होते हो ये सब बातें पूछने वाले? वो तो मैं कोई भी नहीं, वैसे मेरे अंकल यहाँ हमाल का काम करते हैं। हाँ, आज उनको इन्फ्लुएंजा हो गया तो कमाल दिखाने मैं चला आया। तो उठाओ ना ये बैग, स्टेशन से बाहर ले चलना। Sure, sure. My lady commands and it shall be performed. कमाल का कूली, अंग्रेजी भी बोलता? अजी मैम साहब, आजकल के कूली तो कॉलेज के लौंडों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, और फिर मैं तो सुपर क्लास कूली हूँ। पांच भाषाएं जानता हूँ, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और पांचवी भाषा? प्रेम की भाषा, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा आसान भी। कहो तो बोल के सुना दो। तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और मैं तुम्हें उस बुड्ढे खुसट के हवाले कर दूंगा जो हाथ में गुलदस्ता लिए हुए तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो मुझे ढूंढ रहा है? अजी ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, वो तो आपकी मजबूरी देखकर मैंने आपका सामान उठाया, वरना हमारे खानदान में पिछली 7 पुस्तों से किसी ने भी किसी ऐरे गरे का सामान नहीं उठाया। स्पेशल क्लास के पुलिस साहब, जरा ये बैग मेरा किसी टैक्सी में रखवा दीजिए प्लीज। अजी आपका बैग भी टैक्सी में रख दूंगा और आपको भी ऐसे होटल में रख दूंगा जहाँ वो बूढ़ा खुसड़ आपकी सूरत तक नहीं देख सके। लगता है इस बुद्धू जैसी शक्ल के पीछे अकल भी है। लेकिन तुम्हारी अकल का इम्तिहान तब होगा जब तुम इस बूढ़े को यहाँ से भगा दो। देखो देखो वो यही आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। अभी भगाता हूँ फटाफट। क्या कहा तुमने उसे? मैंने उसे कहा, देखिए जनाब, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपको ढूंढ रहा है। ये सुनते ही वो बुड्ढा खुश अटक सक गया। हाँ तो मिस लीना, ये रहा आपका कमरा। ये कमरा इस होटल का सबसे अच्छा कमरा है, आपको यहाँ हर तरह का पूरा आराम मिलेगा। किसी से बात करने को जी चाहे तो टेलीफोन मौजूद, गर्मी लगे तो एयर कंडीशन मौजूद, सर्दी लगे। What? आप मुझे गलत मत समझिए, एक्चुअली मेरा मतलब यह था कि अगर एयर कंडीशन से आपको ज्यादा ठंड लगने लगे तो उसको ठीक ठाक करने की महारत बंदा रखता है। 7 पुश्तों से हमारे खानदान में यही काम चला रहा है। और हाँ, बैठने की जरूरत हो तो कॉल बैल मौजूद, गाना सुनना हो तो रेडियो मौजूद,
किसी के साथ गाने को जी चाहे तो बंदा फिर मौजूद। जी मजाक नहीं कर रहा हूँ। सात पुश्तों से हमारे खानदान में संगीत का ज्ञान चला आ रहा है, आपको यकीन नहीं हो रहा? अभी शुरू हो जाता है। जी फिलहाल तो मेरा जी अकेला रहने को करता है। ठीक है, मेरा हिसाब चुप पे कर दीजिए, बंदा चला जाता है। ये लो, 5 रुपए कुली गिरी के और 10 रुपए होटल तक पहुंचाने। तुम जाते क्यों नहीं? सुना है बड़े लोग बख्शीश भी देते हैं। ओ, ये लो। बाय द वे, अगर आप चाहे तो मैं मैनेजर से कहूं आपका नाम किसी को ना बताए, उस बुट्टे की तारजाल से बचने के लिए। प्लीज डू। अच्छा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। क्या? उस बुड्ढे से आपकी पुरानी जान पहचान है क्या? नॉनसेंस, आज पहली दफा उसको सर की शक्ल देखी। तुम उसे जानते हो? मैं? उसे तो शहर का बच्चा बच्चा, मेरा मतलब है बच्ची बच्ची जानती है। जानो उस बुड्ढे खुसड़ के पास जादू की कौन सी छड़ी है, जिस लड़की पे भी नजर डालता है फटाक से उसकी हो जाती है। कमाल। और फिर कुछ दिनों बाद अपना टूटा हुआ दिल लेकर वो शहर से दूर चली जाती है। आप भी उस बुड्ढे खुसड के चक्कर में फंसी हुई क्या? फंसने वाली थी लेकिन शुक्र है अब बच गई तुम्हारी मदद की वजह से। नो मेंशन, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए, आप मुझे एक अमीर घर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की नजर आती है। आपका चेहरा देखकर दिल धड़कने लगता है, आपकी आंखें देखकर आंखों में चमक आ जाती है, आपके गाल देखकर कश्मीर के सेब याद आते हैं, आपके होंठ देखकर बस बस, तुम तो मेरे चेहरे पे अटके हो। अच्छा, मैं चेहरे के नीचे उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप जैसी सूर्यवंशी चंद्रों की उस बुड्ढे खोसड के चक्कर में कैसे? बात सीधी सी है, मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था एक लड़के के लिए, मेरा मतलब है एक हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने अपनी जायदाद मुझ तक पहुंचाने की यही एक शर्त रखी थी। मुझे एक लड़का पसंद आया, सुशील, सोचा था नौजवान होगा, लेकिन इस कमबख्त बूढ़े ने अपनी जवानी की तस्वीर भेजकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं बहुत परेशान हूँ। ओह, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अब तो आपको पता चल गया ना कि उस बुड्ढे ने आपको धोखा दिया, अब कल सुबह पहली गाड़ी से शिमला वापस चले जाइए। तुम नहीं समझे, शादी किए बगैर शिमला चली जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरे कजिन मुझ पर हंसेंगे। तुम नहीं जानते मेरे अंकल कितने स्वीट हैं, मुझे कितना चाहते हैं। बेचारे दिल के मरीज हैं, कहीं खाली हाथ चली गई तो डर है कहीं उनको दिल का दौरा ना पड़ जाए। दिल का दौरा बड़ा भयंकर होता है, वेरी डेंजरस। नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक काम कीजिए ना, आप यहीं रहिए, फर्स्ट क्लास होटल है, आपने इसका बाथरूम नहीं देखा, गीजर भी है, फिर अपना शावर भी है। मगर मैं यहाँ रह के करूंगी क्या? अब ये मैं आपको कैसे बताऊं, उस बुड्ढे खुसर से मेरी शादी थोड़ी होने वाली थी, इस मामले में हम सारे। अच्छा मैं चलता। फिर आ गए? मैं फर्स्ट क्लास नई कोट लाया हूँ, अगर वो काम कर गई ना तो सांप भी मर जाएगा और लाठी में मुश्किल से 2-3 छोटे छोटे क्रैक पड़ेंगे। सुने, लेकिन सुनने से पहले एक बात बताइए, आपका ये जो कैरेक्टर है ना, क्या नाम है? सुशील। उसको शिमला में तो कोई नहीं जानता? नहीं। उसके बारे में कुछ जानते? बिल्कुल नहीं। ओहो, फिर तो सीधी सादी बात है। आप एक काम कीजिए, एक नौजवान से जिसको शिमला में कोई नहीं जानता हो उससे शादी करके शिमला चली जाइए और वहाँ सबसे सुशील कहकर उसे मंगा दीजिए छुट्टी। तुम पागल तो नहीं हो गए? इसमें क्या हर्ज है? आप तो यही चाहती है ना कि आपके अंकल की तबीयत ठीक रहे और वो जायदाद भी आपको मिल जाए। हाँ। तो फिर इससे अच्छा नुस्खा और कौन सा मिल सकता है? कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी। देखिए, सबसे पहले तो आप इस शहर से एक नौजवान ढूंढिए जो दिखने में स्मार्ट हो मेरी तरह,
और खूबसूरत भी हो मेरी तरह, उससे शादी करके आप अपने अंकल से जायदाद वसूल कर लीजिए। उसके बाद उस किराए के टट्टू को, मेरा मतलब है उस किराए के पति को, शिमला से कहीं बाहर ले जाकर तलाक दे दीजिए। बस अपनी बकवास बंद करो। मेरी बात मानिए, 8-10 हजार रुपए लेकर कोई भी आदमी ये काम कर देगा? इस देश में हजारों नौजवानों को काम चाहिए। आप एक नौजवान को किराए का पति बनाकर इस देश के हजारों होनहार लेकिन बेकार नौजवानों के लिए एक नया रोजगार खोल रही है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। Get out! एक नई गोद दिमाग में आ गई है वो। नहीं नहीं, वैसे ही कुछ खास नहीं। आप गोदावरी के यहाँ जाइए, उससे पूछिए कि हार का क्या हुआ। और आप मिठाई वाले के यहाँ जाइए, मिठाई अभी तक नहीं आई। यो हो, लाइट वाले का क्या हुआ, इलेक्ट्रिशियन क्या जाइए, अभी तक नहीं मिले। सब ऐसे बाहर रहे हो, दिवाली हो जाओगे दिवाली, वो तुम्हारी जान लेकर रहेगी समझे। अभी भी कुछ सोचो। तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हें फरेब दिया गया। मैं आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा नहीं, लेकिन घबराइए मत, शांति रखिए शांति। ये तो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत तो ही बाकी है। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ से आए, क्यों आए, किससे बुलाए तुमने? आपने तो धड़ाधड़ एक साथ 555 सवाल पूछ लिए, एक के बाद एक का जवाब देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहला सवाल है, तुम यहाँ कहाँ से आए? जवाब, अपने घर से। दूसरा सवाल था कि तुमको यहाँ किसने बुलाया? जवाब, आपकी परेशानी ने। तीसरा सवाल और मेरे ख्याल से फाइनल सवाल था कि तुम यहाँ क्यों आए? जवाब, आपके एहसान का बदला चुकाना। अगर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं, मतलब अगर आपको शहर की सैर करनी हो तो बंदा हाजिर है। मैं एक प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी हूँ। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा काम भी है जो पिछली 7 पुश्तों से नहीं चला रहा है? ना है ना, क्यों नहीं। एक अकेली बेबस और मजबूर लड़की को देखकर उसकी मजबूरी से फायदा उठाना, ऐसा बुरा काम पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? आपकी मदद करना चाहता हूँ। सुबह तुमने कहा था ना कि मैं किसी भी आदमी से शादी कर लूं और उसे शिमला ले जाऊं, क्या इस किस्म का चक्कर चलाया जा सकता है? चलाया अजी, दौड़ाया जा सकता है। चट मंगली पट ब्याह फट तला। लेकिन ऐसा करने से मैं किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान से गिरूं और खजूर में अटकूं? देखिए मैडम, आपको जितना अटकना था अब अटक चुकी है, अब तो सिर्फ जमीन पे उतरना बाकी रह गया है। आप ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत रहिए, समझ लीजिए कि शुभ विवाह की शुभ घड़ी आई है। ठीक है, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते? हाँ, मेरे टेम्पररी हस्बैंड बनकर मेरे साथ शिमला चल सकते हो? ये मैंने वही सुना जो आपने कहा, और आपने वही कहा जो मैंने सुना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहा एक अमीर चचा की अमीर भतीजी, और कहा एक मामूली मामे का मामूली भतीजा। मेरा और आपका क्या मेल? देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगा रुपया दूंगी जिससे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सोच लो। तो मैं ये समझ लूं कि तुम इस टेम्पररी शादी के लिए तैयार हो? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने टेम्पररी शादी नहीं की। मैं अपने खानदान के पुराने रिश्तों को कैसे तोड़ सकता हूँ? लेकिन इसमें हर्ज क्या है, टेम्पररी बात है। टेम्पररी। अच्छा ठीक, लेकिन असली बात तो कीजिए। वो क्या? माल कितना मिलेगा? ओ देखो, एडवांस में कुछ रुपया दूंगी और बाकी रुपया तलाक के बाद। मंजूर, मैं आपसे इस काम के लिए पूरे 25,000 रुपए लूंगा।
और एडवांस 5-6 हजार। अभी 5-6 हजार रुपए एडवांस? वो किस लिए? जिस खोली में मैं रहता हूँ ना, उसका 6 महीने से किराया ही नहीं दिया। जिस होटल में मैं खाना खाता हूँ वहाँ भी 4-5 महीने से उधार ही चल रहा है। फिर आपके इस होटल के सामने एक पान बीड़ी वाला अब्दुल मियाँ, वहाँ भी अपना खाता चलता है इसके लिए। पिछली 7 पुश्तों से आप... एक मिनट ठहरो, ये लो 2000 रुपया, बाकी के बाद में मिलेंगे, जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम चलते। अरे हाँ हाँ, देखो मुझे याद है, मैं वहाँ शिमला में ज्यादा रुकूंगा नहीं, सुबह की गाड़ी से जाऊंगा और शाम को वापस चलाऊंगा। अच्छा अच्छा, सब बंदोबस्त करके कल शाम के 5 बजे आ जाना। अच्छा, देखो ठीक समय पे पहुंच जाना। जी बिल्कुल ठीक, पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में कोई लेट पहुंचा ही नहीं है। ए, मिस्टर, मैं तुम्हें 100 रुपया और देती हूँ। क्यों क्यों खाए के? अगर तुम मुझे वादा करो कि आइंदा कभी अपनी पिछली 7 पुश्तों का जिक्र नहीं करोगे। नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पिछली 7 पुश्तों का क्या, अगली 7 पुश्तों का भी नहीं करेंगे। नोट निकाल लेना। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम जहन में जा। लेकिन वहां जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। इस वक्त तक कहाँ मर गए थे? मैं तो समझी थी मेरा 2000 रुपया लेकर कहीं 9-11 हो गए होंगे। 5 बजे आने वाले थे ना, और पता है इस वक्त क्या बजे? सच कहा है किसी ने, एक अजनबी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें एक शरीफ समझा, लेकिन तुम तो अव्वल दर्जे के 420 हो। सोचा था तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, अपना काम भी निकल जाएगा। पागलों की तरह हंस के रहे हो। इसलिए कि आप बगैर कुछ सोचे समझे इतनी उल्टी सीधी बातें सुना दी आपने। कम से कम ये तो पूछा होता कि तुमको आने में देर क्यों लग गई। सुनिए, सबसे पहले मैं हजाम के पास गया, वहां रोकड़े पैसे देकर हजामत करवाया। उसके बाद हमाम में नहाया, फिर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पे जाकर ये कपड़े खरीदे, फिर जौहरी के पास जाकर हीरे की नहीं मिली इसलिए सोने की अंगूठी ले आया, और उसके साथ ये भी ले आया। फिर मैं पंडित जी के पास गया, वहां पता चला वो पंडित अपनी शादी की बात तय करने कहीं चला गया था, वही देर हो गई। जब वो आया शादी की सब बातें तय करके भागम भाग में यहां चला। और आप यहां कभी आग हो रही है कभी बगुला हो रही है, कुछ पूछे बगैर इतनी का आप बकवास करने लगे मुझे, मेरे साथ बहुत बुरी बात है। मुझे माफ कीजिए, सच गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, मैं दिल से माफ चाहती। आप माफी चाहे दिल से मांगे या फेफड़े से, यहां तो अपनी इज्जत का फालूदा हो गया। देखिए सिर्फ एक मौका दीजिए, एक। नहीं, अभी तो मेरा दिल एकदम खट्टा हो गया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल पे 6-7 नींबू निचोड़ दिए हो और ऊपर से थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी हो। अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो, अब तो मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, माफ कर दिया, जाने दो, लेकिन आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा जिसे मेरा मूड आउट हो जाए। खैर, इन कपड़ों में कैसा लगता हूँ मैं? एकदम हीरो लगते हो, वेरी हैंडसम, क्या जचते हो। कुछ बोल और रही है, आपके एक्सप्रेशन को तो कुछ और ही है। अच्छा क्या छोड़े, कल शादी के लिए पंडित जी ने ठीक 9 बजे बुलाया है। अच्छा, तो सवेरे मुझे लेने के लिए आ जाना। अच्छा, अरे अरे सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ। जाहिर है आप मुझे संजीव कुमार कहकर बुलाइए। नहीं नहीं, आप मुझे संजू कहकर बुलाइए। सर एक दफा बुलाइए ना, संजू। जमरा है, जमरा है, जमरा है, जरा फिर से एक दफा, लेकिन जरा प्यार से। संजू, पहली दफा एक ऐसी खूबसूरत लड़की ने मुझे संजू कहकर बुलाया। ओ गॉड, ओ परमात्मा, अगर ये ख्वाब है तो प्लीज डोंट वेक मी, मुझे सोने देना, मत जगाना मुझे, और अगर ये कोई नाटक शाटक है तो उसे एक अंकी नहीं त्रिअंकी रखना। ओ माय डार्लिंग लीना। ए मिस्टर, क्या हो रहा है, धरती पे आओ, बहुत सारे काम करने हैं तुम्हें। अरे हाँ हाँ, भूल गया था। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, कल मेरी और आपकी और मेरी हम दोनों की शादी हो रही है ना? हो रही है। हाँ तो फिर एक दफा एक पत्नी की तरह मुझे बुलाइए। पत्नी की तरह? हाँ जी। जरा सीधी तरह बाहर निकलते हुए मैं कैसे चली जाऊँ? निकलो एक मिनट। और आप तो एकदम पिछली 7 पुश्तों से हमारे पिछली 7 पुश्तों का बच्चा।
राय की आप शादी करने वाले हैं उसे किसी वक्त में खत्म करने के लिए यह ड्राफ्ट काफी है। अब हमें क्या करना होगा? आप दोनों को इस पर दस्तखत करने होंगे, फिर यह ड्राफ्ट किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चलो साइन करें। उधर कर दीजिए। अच्छा जी, जय जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान मंगलम हरि परम मंगलम हरि मंगलम नरेन्द्र सभा सभने सम्मते गौरी महाराजी। मेरे पास नहीं, नहीं मैं यही अच्छी हूँ। ये फूल, ये हार, ये सब क्या तमाशा है? ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो क्या कोई भी हो कैसे मिस कर सकता है? क्या मतलब? मतलब एक खूबसूरत लड़की, फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट, फूल, हार, खुशबू, दरवाजा बंद। सोच रहा हूँ चलते चलाते एक आध सुहागरात मना ली जाए। एनी ऑब्जेक्शन? कमी से बात कर, वरना गंजे खींच कर पुलिस के हवाले कर दूंगी। खाविन को पुलिस के हवाले करूँ? सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। खाविन जेल में चला जाएगा वो तो समझे, लेकिन साथ साथ जायदाद भी चली जाएगी। देखो मैंने तुम पर कितना विश्वास किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम साहब, जिस टाइप का आदमी मुझे आप समझते हैं ना, उस टाइप का मैं नहीं। तो फिर ऐसे करो ना, प्लीज वहां ऊपर जाकर सो जाओ। ठीक है, माय लेडी कमांड्स एंड आई शैल बी प्रोफाउंड। गुड नाइट। अरे बत्ती क्यों बुझा दी? लाइट ऑन करो। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। और मुझे रोशनी में। लीजिए रोशनी लीजिए। अब उनको क्या करना है, अंधेरा हो या रोशनी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके माल लगाना है अपने। उल्टे सीधे काम करके जेल थोड़ी जाना है। पिछले 7 पुश्तों से हमारे खानदान में सुबह के किरणें तुम्हारा स्वागत करें। ये क्या, तुमने मुझे पहले क्यों उठाया? जिस मुद्रा में आप निंद्रा ले रही थी उठाने को जी नहीं किया। आपकी रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, अबद होंठ, ये सब देखकर मैं सपनों की दुनिया में खो गया। और वहां मैं देख रहा हूँ, मैं आपका हो चुका हूँ, आप मेरी बन चुकी हैं। फिर वही बकवास। तुम्हें याद होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये नकली शादी है, असली नहीं। अरे हाँ, ये मेन पॉइंट तो मैं भूल ही गया था। हाँ हाँ, अच्छी तरह सुन लो। अब शिमला चलकर जो कुछ मैं कहूंगी ना वही तुम्हें करना होगा। मेरी मर्जी के बगैर ना तुम बोल सकते हो, ना सुन सकते हो, ना अंदर आ सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, समझे? यानी आप मेरे शरीर के सारे अंगों को कैद करके रखेंगे, मुझे गूंगा और बहरा बनकर रहना होगा। हाँ बिल्कुल, जो मैं कहूंगी ना वही करना होगा। जाकर कपड़े बदलो जल्दी से, स्टेशन आने वाला है। जाओ।
क्या तुम नहीं चलोगी स्टेशन रीना और उसके पति को रिसीव करने? स्टेशन जाएगी मेरी जूती। अरे ये क्या बुरे शब्द मुझसे निकाल रही हो? लीना का पति क्या सोचेगा जब स्वागत के लिए स्टेशन पर किसी को ना पाएगा? जब तुम्हारी भतीजी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हमारे पूछे बगैर शादी कर ली, अब हम क्यों जाएं स्टेशन पर? और ये भी सुन लो, इस रिसेप्शन में कोई भी शामिल नहीं होगा, न मेरी बेटियां, न मेरे दामाद और न मेरे रिश्तेदार, और मेरा मेरा सवाल ही नहीं उठता। कमाल है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहीं गलत मकान में तो नहीं घुस गए? क्या बक रहे हो, मैं अपना घर नहीं पहचान सकती? नहीं, कभी हो जाता है, लेकिन ये मकान है बड़ा धांसु। चलेगा चाचा जी? चाचा जी, ये मेरे पति ओ, ओ, जीते रहो बेटा। चाचा जी, जैसा मैंने सोचा था आपको बिल्कुल वैसा ही पाया है। गले से लगा लीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। चाचा जी, चाची जी कहाँ? चाची जी अपने कमरे में सो रही हैं, वो तेरा बीमार है। अच्छा, फिर सोने ही दीजिए। क्या बीमार है? चाची जी बीमार और मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुनो, तुम्हें उनका कमरा नहीं मिलेगा आसानी से। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में सब कमरे ही ढूंढते रहे हैं। अच्छा, और किया भी क्या है चाची जी? चाची जी पहला दिन चाची जी, आपको हुआ क्या है? एकदम बिस्तरे पे लेट गई आपको हुआ क्या? पेट में दर्द है, कमर में चीख है, नाक में खुजली है, एड़ी में टेढ़ी है, बदन में कपकपी है, जुबान पर झरझरी है या गर्दन में थरथरी? मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं, सिर्फ जुकाम हुआ है। जुकाम? इसकी भी दवा अपने पास है। पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में यही दवा चली आ रही है। तुलसी की पत्ती, अमरूद की पट्टी, गोभी का फूल, काले दिए की धूप, हरी छाल का केला, पुराने गुड़ का ढेला, इन सबको घोट घोट कर काढ़ा बनवाइए। पहला घूट अंदर जाते ही जुकाम बाहर सब पट भाग जाएगा जैसे घरे की सरसिस्ती। रामू जी, मेरा नाम शामू है। रामू तो बाहर गया, ठीक है उसको भी बुला के लाओ। और ये लो 100 रुपए का नोट। तुम सब रामू शामू सीता गीता सब मिलके अपने बच्चों में मिठाई बांटो, जवाई घर में आ गए। और हाँ, ये लो, ये सब गरीबों में बांट दो। उन लोगों से कहो दुआ करे अपनी चाची जी की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। और हाँ, सबसे पहले वो खाना बना के तब तक मैं अपने चाची जी के पांव दबाता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो इस पगली पे नाराज थी जो हमें शादी में शामिल किए बगैर अकेली देहरादून चली गई, इसलिए बिस्तर पर पड़ गई। अच्छा, ये बात है चाची जी, लेकिन इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं, ये बेगुनाह है, बेकसूर है। असली गुनाहगार तो मैं हूँ, मैंने पाप किया है, मैं दोषी हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो छोड़ो, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपको पाँव नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा माफ कर दिया। देखकर तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से सोनिया अंजलि हमारे दामाद को टेलीफोन करो, तो मैंने उन्हें बुलाया है। हमारे दामाद आए हैं। क्या हुआ जीजा जी? फिर दुल्हा सुहाग रात मनाने अपनी दुल्हन को अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर दुल्हन ने अपने सर से विग उतार दिया और कहने लगा, प्रिया मेरे सर के ऊपर कुछ नहीं है, मैं एकदम गंजा हूँ। ये देखकर दुल्हन तो हंसने लगी। दुल्हन ने पूछा, प्रिया तुम हंस क्यों रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया, सैया तुम्हारे सर के ऊपर कुछ नहीं है, मेरे सर के अंदर कुछ नहीं है, लीना दीदी। कुछ खाओगे? आंटी जी इनकी आदतें मत बिगाड़िए, नहीं तो दिन भर सिर्फ सोते रहेंगे और खाते रहेंगे। कैसा सोना और कैसा खाना, रात पलक तक नहीं झपकी। हाँ भाई, शादी की रात कोई सोता है? चुप। अरे क्या बताऊं, रात भर मच्छरों ने खून चूस लिया। ये कालका मेल के जो मच्छर है ना, काफी फेमस है। जीजा जी, वो मच्छर नहीं होंगे, मच्छरनी होगी, मच्छरनी। एक हाथ दूंगी जरा बात। भाई मजा आ गया, आज वाकई शादी का घर लगता है। पास मेरी माली, मेरे पापा ने पास मेरी माली। लीना, थैंक यू।
वैसे शिमला काफी रोमांटिक जगह है। हाय, ये मेरी सहेली पुष्पा। पुष्पा सिर्फ सहेली है? हाँ। रिश्ते में तो कोई नहीं? नहीं। ठीक है। हेलो, वाह वाह बहुत ही खूबसूरत है आप, अगर पहले मिल जाती तो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि शिमले के जो क्या होते हैं सेब, सेब वो बहुत ही मीठे और खूबसूरत होते हैं। लेकिन साहब, शिमला का सबसे खूबसूरत और मीठा सेब तो कोई देहरादून वाला लेकर उड़ गया। ओह मैं यू वेरी लकी। अच्छा सुन लीना, तेरी और सुशील की शादी की खुशी में हम लोग कल पिकनिक पर जा रहे हैं। वाह वाह। जाएंगे जरा आराम से बैठेंगे, मजा आएगा। आ रहे हैं ना आप लोग दोनों? हां डेफिनेटली। भाई चिक बो बम चिक बो बम चिक बो बम चिक बो चिक बो चिक बो चिक बो चिक बो। आप अपने बच्चों से कहां जा रहे? आपके दोस्तों के साथ पिकनिक पे। पिकनिक पे? पिकनिक पे तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम नहीं। इनविटेशन तो दोनों के लिए था ना? मैं जानती हूँ, लेकिन अपने साथ मैं तुम्हें नहीं ले जा रही। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, जो बोलना शुरू करते तो बोलते ही जाते हो, रुकने का नाम तक नहीं लेते। ठीक है, लेकिन सुनने वालों को बड़ा मजा आता है। आता क्या नहीं, जोकर किस्म के आदमी जो ठहरे अपने खानदान की पिछली 7 पुश्तों की बकवास शुरू करते हो ना, तो मेरा सिर तो दर्द से फटने लगता है। ठीक है, फटता है तो फटने दीजिए, लेकिन जिस जबान की आप निंदा कर रही हैं उसी जबान को इस्तेमाल करके मैंने आपके चाचा और चाची दोनों का मन जीत लिया है, मालूम है ना? हाँ हाँ हाँ, उन दोनों को अपना बनाना कौन सी मुश्किल बात है, दोनों बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, दो चार यहाँ वहाँ के हाथ पैर उतार ले शीशे में। लेकिन आज पिकनिक पर जो नौजवान आ रहे हैं वो एक नंबर के चालू किस्म के लोग हैं, तुम्हारा 7 पुश्तों का हुलिया 7 मिनटों में बिगाड़ देंगे। 7 मिनट क्यों, 5 मिनट क्यों? इसलिए कि एक एक पुश्त के लिए एक एक मिनट तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन खैर ठीक है, हमारे देहरादून के पुट्टे ने यहाँ के सब नौजवानों का पटरा कर दिया, उन लोगों का मेरे सामने क्या मुकाबला, चुटकियों में खलास कर दूंगा, शर्त लगानी है। जानबूझकर कौन जहर पिए? ठीक है, जहर मैं पी लेता हूँ, आप अमृत पी लीजिए। चुप रहो, जब से देख रहे बकबक किए जा रहे हो, जो कुछ मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना सीखो और कान खोल कर सुन लो, आज पिकनिक पर सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम घर पर रहोगे, समझे? सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में। मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, हो और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। तेरा नाम आई है रंग भरी शाम, फूलों के छलके हैं जाम, औरों ने दिल लिए थाम, ऐसे में हो ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी चकोरी, ओ गोरी तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली।
से नहीं डरेंगे, कब तक हम आहें भरेंगे, आ जा तो बातें करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है हे हे हो, हे हो, ये सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। ऐसी आई हुई है, बदली भी छाई हुई है, तू क्यों घबराई हुई है, मुझसे शर्माई हुई है, प्यार में है हो, है हो, प्यार में यार से आंखें चुरा के सता के जला के तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, ओ हो हो, और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। ये उम्मीद नहीं थी कि तुम शिमला के प्लेबॉयज पर वो धाक जमा दोगे कि सारे के सारे मुंह देखते रह जाए। क्या बात है, जवाब नहीं। फिर इसी बात पे हमरा बोनस भी तो मिलना चाहिए नहीं? ओहो, तुम तो सचमुच पैसे के पीर मालूम होते हो। लगता है पूरा पैसा मिलने पर मुझे एकदम ही भूल जाओगे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो आपको हर वक्त याद रखूंगा। वो कैसे? देखिए, आपसे जो मुझे पैसे मिलेंगे ना, उससे मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा और चंद ही दिनों में लखपति बन जाऊं, और फिर उन्हीं पैसों से मैं एक फर्स्ट क्लास बंगला बनाऊंगा स्विमिंग पूल के साथ, और फिर उसका नाम रखूंगा लीना महल। एक बंगला बने न्याराई। लेकिन उसमें रहोगे किसके साथ? जिस तरह तुमने किराया का पति ढूंढ लिया है, वैसे ही मैं किराए की पत्नी ढूंढ लूंगा। शर्म नहीं आती गंदी गंदी बातें करते हुए? अयो यो, नाराज हो गई। अच्छा छोड़ो, किसी को भी नहीं रखूंगा, बस सिर्फ तुम्हारी एक तस्वीर रखूंगा और रोज सुबह उस पे हार चढ़ाऊंगा और पूजा करूंगा। सुनो, याद है कुछ? शाम की गाड़ी से दिल्ली जाना है, चलो घर चले। नहीं नहीं, वहाँ फिर तुम्हारे वो अंकल बहस शुरू कर देंगे जायदाद के बारे में। एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहाँ घूमता हूँ। जल्दी आना। Sure. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ये क्या हिमाकत है लीना? सुशील पहली बार हमारे आया है, उसे चंद दिन यही ठहरने दो, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ठहरने को तो ठहर जाता है, मगर उसे कोई जरूरी काम है। ओ, काम काम काम, अब जिंदगी भर काम ही तो करना है। ये क्या है, मुंह दिखाए और चल दिए? अभी घर है, सराय नहीं। सुशील कहाँ है? दरअसल वो शर्मिंदा है आपसे, उसी ने मुझसे कहा था कि मैं सारी बात आपको समझा दूं। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी दी जाए। मगर पार्टी तो बाद में भी हो सकती है, इस वक्त हमें जाना ही है। लेकिन सुशील ने तो मेरे से वादा किया था कि वो रिसेप्शन के बाद जाएगा, इतनी जल्दी उसने अपना इरादा कैसे बदल दिया? उसे आने दो, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का क्या होगा? हर चीज का फैसला उसके आने के बाद होगा। मगर किसी हालत में भी आज हम लोग जा रहे हैं। Thank you.
पिताजी जी अब आते ही होंगे। क्या आते होंगे? दिक्कत ने क्या कहा हुआ? हो सकता है कि उनकी घड़ी बंद हो गई हो। बकवास बंद कर। लीना, गाड़ी तो 8 बजे जाती है। मुझे मालूम है। शायद जीजा जी सीधे स्टेशन पहुंच गए हो। जो कोई मजाक का वक्त है। तुम सब लोग पागलों की तरह मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो? आ गया, आ गया। आ गया? सुशील आ गया? सारा सामान एक ही गाड़ी में आ गया। बदतमीज कहीं का, हट जाओ सामने से। घबराओ नहीं बेटी, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा। लेकिन अब आ भी गए तो क्या फायदा, ट्रेन तो निकल गई। बदतमीज कहीं का। वो देखो जीजा जी आ गए। हेलो, हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स कुकिंग? मेरा सर। Delicious, good dish. बेटा कहाँ गए थे? चाचा जी मैं वो सेबों का बाग देखने चला गया था, एप्पल गार्डन। सोचा उसे खरीद कर लीना को शादी में प्रेजेंट कर दूँ। तो जरा बातचीत में देर हो गई, इसलिए देर हो गई। अच्छा, I'm sorry, हैं? अब बात ये चाचा जी, हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों से यही दस्तूर चला आ रहा है कि हम शादी में लड़की को एप्पल का गार्डन यानी सेब का बाग प्रेजेंट करते हैं, तोहफा देते हैं। तो बात पक्की हो गई? बात शुरू की है, 2-4 दिन में हो जाएगी पक्की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनिया की माँ, सुशील 2-4 दिन और रह लेगा, इस खुशी में हम रिसेप्शन कर देंगे। जरूर जरूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं पूछती हूँ आज तुम गए क्यों नहीं? तुमने तो कहा था सुबह की गाड़ी से शिमला जाऊंगा और शाम की गाड़ी से वापस। तुमने जानबूझकर ट्रेन मिस की। अरे आपने नीचे सुना नहीं, मैं आपके चाचा को बता रहा था मैं उस सेब का बाग। नॉनसेंस, तुम मेरी चाचा और दूसरे रिश्तेदारों को बुद्ध बना सकते हो लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। यानी आपके चाचा और बाकी के सब हैं? बकवास, साफ साफ बताओ अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? अजी वो बात ये है। सच सच बता। हाँ सच सच बता रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि यहाँ आकर मेरी आदतें कुछ खराब हो गई हैं। अब आप भी सोचे मुझ जैसा लक्कड़ हजम पत्थर हजम को 2-2 टाइम बेहतरीन से बेहतरीन खाना मिलता है, बिरयानी कबाब शाही टुकड़े कलेजी। आपका बावर्ची लखनऊ का है? मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ तक स्टॉप, बी सीरियस, बता अभी तक गए क्यों नहीं यहाँ से? सुनिए और सुनकर जरा गौर कीजिए, जिस आदमी की सारी जिंदगी लकड़ी के बेंच पर सोते गुजरी हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे सोने के लिए फोम रबर के गद्दे मिलने लगे तो वो इतनी जल्दी यहां से क्यों चला जाएगा? पागल कुत्ते ने काटा है उसे। अब समझी, तुम यहां से जाना नहीं चाहते, तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है। आपको देखकर किसकी नीयत खराब नहीं होगी? शट अप, मैं खुद समझती हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मेरी दौलत पर है, दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। ठहरे ठहरे ठहरे, आप तो अपनी दौलत का जिक्र इस तरह कर रही हैं जैसे आप रॉकफेलर की बेटी हो या बिल्ला टाटा के चचा हो। मुझे आपके पैसे से क्या लेना देना? कल सुबह बात करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? इस बेडरूम में तुम नहीं सो सकते, सोना है तो जाओ बालकनी में सो जाओ। अरे कमाल, उस दिन सफर में हम एक ही कंपार्टमेंट में सोए थे, उस वक्त तो आपने नहीं कहा था जाओ सोना है तो इंजन में जाकर सो जाओ। वो सफर की बात, जिंदगी भी तो एक सफर है। ओहो, तुम जाते हो या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो आप घर छोड़कर क्यों चली जाएंगी, ये घर तो आप ही का है। चले मैं ही चला जाता हूं बालकनी में। गुड नाइट। आप बोल्ट लगाना भूल गए? देखो तो कैसे चुप चुप सी है। हाय, निगाहें झुकी झुकी सी और रंगत उड़ी उड़ी सी, बिल्कुल एक मसीने। विल यू शट अप?
रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कहो लीना रात कैसे गुजरी? मार खाएगी सोनिया, तू मारेगी, आवाज में कुछ दम नहीं है। बेचारी बताए भी क्या, सुना है देहरादून वाले बड़े जालिम होते हैं। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। जग चोरों का है डेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा। जाना एक जोगी का है तेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं। वाला मिल गया। अरे जा जा, मुझे और वो ठीक करेगा? अगर मैं चाहूँ तो एक मिनट के अंदर से शिमला के बाहर कवा सकती हूँ। लेकिन पुष्पा एक बात समझ में नहीं आई, वो अचानक कैसे बदल गया? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देना चाहता? धोखा? तो क्या उसने किसी से कह दिया वो तेरा फर्जी पति है? नहीं तो
फिर तेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? वो तो रात को बालकनी में सोता है बाहर। अरे फिर तू कैसे उसे धोखेबाज कहती है? देख बच्ची, तू ना जल्दबाजी मत कर, जल्दी 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 में सब काम उल्टा। अरे अगर वो शिमला में दो चार दिन रह भी गया तो तेरा क्या बिगड़ता है? हाँ मैं तेरी जगह होती ना तो खुश होती कि कितना चार्मिंग, कितना हैंडसम नौजवान मेरे साथ घूम रहा है। छी छी छी, चुप कर, यहाँ से जाना ही होगा। पुष्पा, मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज कर ही दम लूंगी। आप कौन? आइए आइए शेषन जी, बैठिए। अपन तो खड़े खड़े ही अच्छे। फरमाइए क्या बात? वो क्या बताते हैं, लेकिन जरा पहले सुशील को तो आने दीजिए। वो सुशील आ गया। सुशील, ये है मिस्टर शेषन। हेलो। हाँ, तुमने जिस सेठ के बाप को खरीदने की बात की थी ना, ये वहाँ के डिप्टी मैनेजर है, मैं लेने आए हैं सौदा पक्का करने। लेकिन मैंने आपको वहाँ नहीं देखा था। जब आप आए थे तो हम अखाड़े में कुश्ती करने गए थे। कुश्ती? इन्हें कुश्ती का बहुत शौक। अच्छा, तो निकलिए मैदान में। मैदान? मैदान सेब के बाग में। मैदान हो या सेब का बाग, बात एक ही है। हाँ वैसे बात तो एक ही है, लेकिन क्या है, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए हैं, इन्हें बाहर की हवा की जरूरत है। एक बार हमारे साथ बाहर गए तो तबीयत खड़ी हो जाएगी। वो तो नजर आ रहा है। जाओ जाओ। अच्छा चाचा जी, आशीर्वाद। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे किसी खतरनाक सफर पे जाने वाले हो। चाचा जी, खतरे और औरत का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। चलो चलो। Yes, who's speaking? हाँ लीना बोल रही हूँ। लीना, सुना क्या हाल है? अरे हाँ डार्लिंग, सब एकदम ठीक हो गया है। मैंने शेर सिंह को सुशील के साथ कर दिया है, वो यहाँ से उसे सीधा दिल्ली ले जाएगा। शेर सिंह? लीना क्या हो गया बाबा तुझे, वो तो यार कुछ पहलवान किस्म का आदमी है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, शेर सिंह उसे यहाँ से बिल्कुल सेफ दिल्ली ले जाएगा और वहाँ के किसी बहुत बड़े होटल में बड़े आराम से रखेगा माशे जी को, और बस 24 घंटे सिर्फ नजर ही तो रखेगा और कुछ नहीं। हाँ सब तो ठीक है। सुनो, बाद में मैं खुद दिल्ली पहुँच जाऊंगी, लेकिन डार्लिंग मेरा वो जरा काम जरा जल्दी कर दो ना। पोस्ट ऑफिस जाकर टेलीग्राम जरा जल्दी से भेज देना। ओके, जाती हूँ अभी, बाय। क्यों? शिमला तो बहुत पीछे रह गए, यहाँ कौन सा सेब का बाग दिखाने आए आप? वो बाग जो दिल्ली के आसपास है। पहलवान, दिल्ली के आसपास घास भी नहीं उगता, सेब का बाग कहाँ से मिलेगा आपको? अब क्या है, क्या मतलब? नहीं, स्कूल वूल नहीं गया आप? ठीक है। किधर को भागता है? वही शिमला। नहीं, हम तुमको दिल्ली लेके जाएगा। लेकिन पहलवान, हमको दिल्ली नहीं जाने का, हमको शिमला जाने का, ले चलो ना गाड़ी में। गाड़ी दिल्ली जाएगी? गाड़ी दिल्ली जाएगी? ठीक है तो खाली गाड़ी ले चलो दिल्ली, हमको शिमला जाने दो। तुम उधर जाके क्या करेगा? हम उधर सेब खाएगा। सेब खाएगा? सेब खाएगा, हम तुमको खिलाता है। हाँ।
बस बस पहलवान, बहुत खा लिया, पेट भर गया, हाथ मिला। आपने मुझे बहुत सेब खिलाए, अब मैं आपको आम खिलाता हूँ। अलग अलग वैरायटी के, ये है आपूस, ये सफेदा, ये पायरी, और ये आपूस, रत्नागिरी तोतापुरी राजापुरी, और ये सड़ा हुआ आम है, और ये कौन सा था? देहरादून स्पेशल। चला गया? हाँ, और मुझे भी वहाँ बुलाया है, सोचती हूँ शाम को ही चली जाऊंगी। अरे सुशील तो आ गया। अरे सुशील, तुम तो दिल्ली जा रहे थे ना? हाँ चाचा जी, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। भगवान का शुक्र है बच गया। चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर को बुलाएं? नहीं चाची जी, मामूली सी चोट लगी है, ऐसी चोटें तो बहुत लग चुकी है। कोई चोट ऐसी होती है बेटा जो ऊपर से मामूली दिखाई देती है, मगर अंदर से बड़ी गहरी होती है। इस किस्म की चोट का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता चाचा जी, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। आप एक काम कर सकती हैं? बताइए। रिज रोड के क्रॉसिंग पर एक एम्बुलेंस भेज दीजिए फौरन। क्यों? वो जो आदमी आया था ना, सेब के बाग का मैनेजर, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूं। मुझे गलत मत समझना। यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ। मैं शर्मिंदा, मुझे माफ कर दो, सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें दिल्ली ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं पिट जाऊंगा। नहीं लेकिन मैंने भी उसकी खूब मरम्मत की, वो बच्चों ले जाओ। नहीं नहीं, मैं इस बिस्तरे पे नहीं लेतूंगा। क्यों? अपनी तो वो बालकनी ही ठीक है। नहीं नहीं, इसे तुम ही ले जाओ। माफ कर दो ना, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उस आदमी से लड़ाई तो मैंने जानबूझकर मोड़ ली थी। क्या? लेकिन क्यों? ताकि इस बिस्तर पर लेटने का मौका मिले। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ।
सबसे बड़ी दवा तुम्हारा ये हाथ है। एक दफा यहां फेर दो, दिल के सारे जख्म भर जाएंगे। क्या हुआ? हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी? एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा? सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी? एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी? एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहां दर्द है। बताए तुम्हें क्या कहां दर्द है। यहां हाथ रखना यहां दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। की रंगीन महफिल में मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बरातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी? एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। बस 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 बहुत सुन लिया। तेरे भेजे में ना अकल है ही नहीं। क्या सोचकर तूने उस गुंडे को सुशील के साथ भेजा था? अरे बाबा, मैंने अपनी भूल मान ली और सुशील से माफी भी मांग ली।
सच उसका मन कितना सुंदर है, कितना विशाल है, मैंने खुद समझने में भूल की थी। पुष्पा बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम, बहुत चार्मिंग। क्या बात है, कल तक जो धोखेबाज था आज देवता बन गया। कहीं तेरे मन मंदिर में वही देवता तो आके विराजमान नहीं हो गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? लगता है कल तक जो किराएदार था आज घर का मालिक बनना चाहता है। पुष्पा मजाक छोड़ दे, तू भी रोज रोज रंग बदलना छोड़ दे लीना। मैं तो बेजार हो गई तेरे इस रूप बहरूप से, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अरे ये है क्या तमाशा? तुझे तमाशा लगता है ना, तो ठीक है आज से तुझसे कोई भी सलाह लेना बंद कर दूँ। हाँ मत लेना, और मैं भी उस दिन मिठाई बांटूंगी जिस दिन तेरे बखेड़ों से मेरी जान छूटेगी। अच्छा अच्छा, तो आज से यू माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे क्या लेना। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ओहो जरा हम भी समझे कि जनाब क्या कह रहे हैं। कुछ काम। क्या काम है? हर बात बताना जरूरी नहीं है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। कितने रुपए? ज्यादा नहीं, 5,000। 5,000? इतने रुपए किसे चाहिए? ये पैसों का नाम सुनते ही आपके चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ने लगी? जल्दी माल निकालिए, मुझे काम है। लेकिन पहले ये बताओ कि इतने रुपए का क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, माल रोड पे शॉपिंग करूंगा, किसी फर्स्ट क्लास कॉल गर्ल को बुलाकर। देखिए, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांग रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो तब पूरा होगा जबकि तुम मुझे तलाक दोगे, इससे पहले पैसे देना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। गुंडों से पिटवाना कॉन्ट्रैक्ट में था? कुछ भी हो इस वक्त मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकती। ठीक है, फिर तो आपके चाचा से बात करनी पड़ेगी, मुझे बहुत चाहते हैं वो। खैर क्यों ना चाहे, उनकी भतीजी का पतिदेव जो हूं। एक बात बताऊं, अब उनको सब कुछ बता देने का वक्त आ ही गया है। बात यह है कि मेरी आत्मा इतने बड़े झूठ का बोझ सहन नहीं। चाचा जी से कुछ मत कहना, ठहरो। शुक्रिया। गिन लो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भरोसा तो आप पे है। हेलो कौन? सुशील कुमार। हेलो यस वी स्पीकिंग। अरे पुष्पी, हाय स्वीटी। हाँ हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी आया। जो पसंद नहीं है? जोक तो अच्छा था, मेरा मूड अच्छा नहीं है। काई जाला, तुम्हारा मूड को क्या हुआ? तुमको मालूम ही, इसकी मंगेतर टुप्पी ने इसे सगाई तोड़ दी। अच्छा? अरे तुम फिक्र मत करो, कोई गल नहीं, तुम्हारे उस टुप्पी को मैं मार मार के हिप्पी बना दूंगा। इसी खुशी में एक शैंपियन हो जाए। अरे मेरी तो मंगनी टूट गई, तुम मुझे शैंपियन पिला रहे हो? अरे स्वीटहार्ट शैंपियन पियो, शैंपियन। टिप्पी नहीं ना सही, तुम्हारे लिए कोई जिप्पी ले आएंगे। नहीं जिप्पी? अच्छा पप्पी लेंगे। लो 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 लो, लो मेरे हाथ से पियो। क्या बात है, यहाँ कहाँ बैठे? अपना क्या है, जहाँ चार हसीन चौकटे देख लिए वहीं बैठ गए। मेरी पिछली 7 पुश्तों की यही एक कमजोरी। सिनेमा जाने को देर हो रही है, चलो। अरे इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के
कौन ससुरा फिल्म देखने जाता है? तुम्हारे फिल्म में इतने खूबसूरत खोबड़े, मेरा तो चेहरे थोड़ी देखने वाले हैं। तो तुम नहीं चलोगे? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भाई ये तुम लोगों की तकरार सुनते सुनते ना मैं बोर हो गई। चलो ना सुशील बाहर घूमने चले। घूमने? हाँ। घूमने कहाँ? मेरे दिल की बात कह दी। कौन सी चीज? कौन क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ? जी हाँ आप जा सकते हैं। मजाक मत कर पुष्पा, सच सच बता सुशील कहाँ है? हाँ सुशील मेरे वार्डरोब में। ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी समझी? मैं अच्छी तरह समझती हूँ आजकल सुशील के साथ खूब घूम फिर रही है। आखिर इरादा क्या है तेरा? ए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है जो तू समझ रही है। हाँ और फर्ज कर लो अगर है भी तो तुझे इससे क्या? वो तो तेरा असली पति है नहीं, फिर चाहे मैं उससे फ्लर्ट करूँ या कोई और, तुझे क्यों जलन हो रही है भाई? कहीं वो तेरे दिल को तो भा नहीं गया? शट अप, देख किनकार मत कर लीना। बस मैं इतना चाहती हूँ जब तक वो मेरा पति है दुनिया की नजरों के सामने कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मेरी बेइज्जती हो। और तुम अच्छी तरह समझ लो सुशील से मिलना जुलना एकदम बंद कर दो। हम तो मिलेंगे भाई, आप क्या कर लेंगी? क्या कर लूंगी? मैं जिंदगी भर तेरे साथ बात नहीं करूंगी, अच्छी तरह याद रख ले। लगता है कांटा दूर तक दिल में चुभ गया है। आप आ रहे हो? मालूम है क्या वक्त है? और तुम अभी तक सोई नहीं, मालूम है क्या वक्त है? तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश क्यों करते हो? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आखिर मैं ठहरा किराए का पति, ज्यादा नजदीक आने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ताले से काम नहीं चलेगा, बेशरम कहीं के दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हो? मैं नहीं, वो लड़कियां मेरे आगे पीछे भागती रहती हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि शिमला में तो आप जैसी बहुत सी अमीर लड़कियां हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से एक टेम्पररी पति की जरूरत है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मेरा दिमाग जेट की रफ्तार से चलने लगा। मैंने सोचा यार ये धंधा तो सबसे अच्छा धंधा है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने मसाले की चाय और पान की दुकान खोलने का इरादा तर्क कर दिया। अब क्या करने वाले हो? थोड़े ही दिनों में शिमला की माल रोड पर तुम मेरा एक पार्टियां देखोगी, टेम्पररी पति प्राइवेट लिमिटेड। जिस लड़की को भी जरूरत हो वो तुम्हारी तरह मुझे अपना किराया का पति बना दे और मेरी फीस 25,000 रुपए दे दे। इस तरह साल में 4 कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए ना तो 1,00,000 रुपया वो धरा। छी कितनी गंदी बातें सोचते।
अगर अपने सगे चाचा को धोखा देकर उनकी सारी जायदाद हासिल कर लेना गंदी बात नहीं है तो एक मजबूर लड़की को उसकी मुसीबतों से निकालना कहाँ की गंदी बात होगी। देखो मिस्टर, जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है तुम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं घूम सकते। नहीं नहीं नहीं, ये क्लॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, एक पति को एक पति की तरह रहना चाहिए। पति के जिम्मे और भी बहुत से काम है, उन पे तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती? क्या मतलब? मतलब ये कि पति को बेडरूम के बिस्तर पे सोना चाहिए और मैं सोता हूँ गैलरी में। पति को अपनी बीवी के साथ, मेरा मतलब है जब भी उसका जी चाहे तो उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? दूसरी लड़कियां तो इसे बदतमीजी नहीं समझती बल्कि बहुत खुश होती है। देखो देखो, मैं तुम्हें इसके बाद दूसरी लड़कियों के साथ नहीं घूमने दूंगी। मेरे सिवा तुम किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, खास तौर पर उस पुष्पा के साथ कभी नहीं जा सकते। पुष्पा? हाँ, यू मीन पुष्पी। अरे अरे, उसके बर्थडे के ऑनर में तुम्हें एक फर्स्ट क्लास पार्टी दे रहा हूँ। उस दिन अपनी नई फर्म का मुहूर्त भी कर लूंगा और तुमको वहाँ होस्टेस बनकर मेरे साथ वहाँ खास तौर पे जाना है, समझी? समझी। ये लीना अभी तक नहीं आई। भाई जिनको आना है वो आते रहेंगे, हम तो आ गए। काटोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पुष्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले मुझे खिलाओ। लीना, देख अब भी मैंने केक आता, तू कहाँ थी अब तक? घर पर ही थी, और कहाँ थी? मेमराव को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए। मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती? अरे अंकल की गाड़ी ले आती। उन्हीं की गाड़ी में आई हूँ, मुझे अकल मत सिखाओ। अकल तो उससे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे? देख, आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी। नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कल कल चूमे गली गली घूमे, कल कल चूमे गली गली घूमे, भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, गली गली चूमे गली गली घूमे, भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। तेरे साथ भी ये बात हो न जाए,
फूल पे कभी उस फूल पे गली गली चूमे गली गली घूमे भोरा बेईमान भोरा बेईमान कभी इस बाग में कभी उस बाग में कभी इस बाग में कभी उस बाग में जन्मदिन पे नहीं पीऊंगा तो कब पीऊंगा तुम्हारा ससुरा जन्मदिन आता ही नहीं है खत्म हो गई है घर चलो जब तक पुष्पी मौजूद है मैं भी मौजूद हूँ मैं तो अपने घर जा रही हूँ मैं भी वहीं आ रहा हूँ नहीं लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आओगे अपनी लीना के साथ जाओ ना नहीं छोड़ा मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगा और लीना के साथ भी नहीं जाऊंगा कहाँ जाओगे देहरादून हाँ हाँ वही जाओ देहरादून जरूर जाओ लेकिन कल कल नहीं आज देहरादून चलो मैं कहती हूँ देहरादून मुझे यहाँ क्यों लाया तुम हैं क्यों लाया बताओ मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा चला जाऊंगा वही चला जाऊंगा देहरादून देहरादून कोई गाड़ी देहरादून नहीं जाती क्यों नहीं जाती हावड़ा एक्सप्रेस जाती है मद्रास मेल जाती है रायल वाली जाती है खराब हो गया तुम्हारा शिमला इनमें से कोई गाड़ी नहीं आती लेकिन जाती जरूर है तुम क्या कहते हैं नहीं शराब पी करने जाने क्या नाम शराब बक रहे हो तुम मुझे डांटा है तुम अभी अभी मुझे डांट रहा मुझे डांट रही हो तुम मुझे शराब ही कहती हो खेल मैं एक पल यहाँ नहीं रहूंगा सीधा एयरपोर्ट चला जाता हूँ और वहां से फ्लाई करके पहुंच जाऊंगा देहरादून शिमला में एयरपोर्ट कहाँ है कहाँ है तुमको नहीं मालूम ठीक है किसी को पूछ लेंगे भाई एयरपोर्ट किधर है किधर है एयरपोर्ट शिमला में एयरपोर्ट नहीं है नहीं है तो बना देंगे बना देंगे अरे अपने नाराज मिला जाओ एक शर्त है लेकिन मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है लेकिन इस वक्त नहीं कल देखेगा जूता उतार क्या क्या जूता उतार मोजे उतार प्यार से उतार तुम इसी काबिल हो मैंने भूल की जो तुम जैसी पत्थर दिल लड़की की मदद की अरे तुम तो एकदम बकवास लड़की हो एकदम बंडल एकदम कंडम अपना हाथ ऊपर करके कहो मैंने जो कुछ कहा सच कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा बोलो वो कर रहे हो
तुम हो रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे चचा के पास जाता हूँ और उससे पैसे लेके सीधा पहुँच जाता हूँ देहरादून। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाप पड़ती हूँ। वही पड़ी रहो, वही पड़ी रहो। चलो नहीं, आज तो हम तुम्हारे बिस्तर पे सोएंगे और तुम जाकर हमारे बिस्तर पे सो जाओ। तुम हमारे बिस्तर पर, हम तुम्हारे बिस्तर पर, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मेरे ही पास रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मुझे शक है जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम मुझे बगैर पैसे दिए यूं निकाल दोगी जैसे दूध में से मक्खी। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? शक नहीं बल्कि यकीन है। जो लड़की जायदाद के लिए अपने सगे चाचा को धोखा दे सकती है वो रुपए पैसे के लिए मुझे भी धोखा दे सकती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? यही चाहता हूँ कि दिल्ली जाने से पहले मेरी सारी रकम मुझे मिल जानी चाहिए। ये नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि इतना रुपया इस वक्त मेरे पास नहीं है। ठीक है, फिर किसी से उधार ले लो, चोरी करो या डाका डालो। मैं तुम्हारी तरह लोफर नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को रुपए पैसे के लिए लोफर बनते हुए देखा है। मैं कसम खाती हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को रुपए पैसे के लिए झूठी कसम खाते हुए भी देखा। ठीक है, मैं अभी चाचा जी के पास जाती हूँ और उनसे रुपया लेकर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। चाचा जी, आप मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कब करें? तुम्हारी प्रॉपर्टी? जी बस ये रिसेप्शन हो जाए उसके बाद। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इस बात को टाल क्यों रहे कि दीना बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, शादी का रिसेप्शन हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी मुझे कभी नहीं मिलेगी। लीना, क्या तुम ये समझती हो कि हम तुम्हें चीट करना चाहते हैं? लग तो ऐसे ही रहा है आप जानबूझकर मुझे मेरी जायदाद से महरूम करना चाहते हैं। आप मुझे धोखा देना चाहते हैं? लीना, अब आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो सवाल खींच लूंगा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? तुम्हारी ये हिम्मत, दो कौड़ी के आदमी। चुप, अभी तो सीधे हाथ का पड़ा है, उल्टे हाथ का पड़ेगा ना सारे डायलॉग्स भूल जाओगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा रो लो, सेहत के लिए अच्छी चीज है, लेकिन ये बदतमीजी जरा भी नहीं चलेगी, समझी? चलो चाचा जी से माफी मांगो। देख क्या रही हो, चलो चलो माफी। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। अब जाओ। माफ कीजिए चाचा जी, गुस्से में हाथ उठ गया मेरा, लेकिन दरअसल मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं पिछले 20 साल में नहीं कर सका। इस लड़की को काबू में करने का यही तरीका है। सिर्फ इस लड़की को नहीं चाचा जी, हर लड़की को काबू में करने का यही एक तरीका है। राज की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ अंकल जी ने आपको नीचे बुलाया है, मुझे आप दोनों को। आपने हम दोनों को बुलाया?
हाँ नीना, इस वक्त मैंने तुम दोनों को तुम्हारी जायदाद हवाले करने के लिए बुलाया है। लेकिन दोनों को क्यों, इनकी क्या जरूरत है? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं ठहरो, मैंने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। दरअसल बात यह है लीना कि तुम्हारी फजूल खर्चियां और बचपने को देखते हुए मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे नाम ही नहीं की बल्कि तुम दोनों के नाम की। इम्पॉसिबल, आज तक आप मेरी जायदाद के मालिक थे और अब एक अजनबी को मेरा हिस्सेदार बना दिया। अजनबी? अपने पति को अजनबी कहते हो तो मैं शर्म नहीं आती? जिस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है उसके साथ किसी दूसरे को नथी करने का कहां का इंसाफ है? आई वोंट एक्सेप्ट इट। तुम्हारे चाचा जी ने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। सुशील जैसे समझदार आदमी के हाथों में तुम्हारी सारी जायदाद बिल्कुल सलामत रहेगी। क्यों सुशील? आपका हुक्म सर आंखों पर। सुशील, ये रहा ट्रांसफर डीड और ये है कैश। और ये रह जाएगा जो इसकी माँ ने इसकी शादी के लिए दी थी। इन्हें अच्छी तरह संभालो बेटा। समझ में नहीं आता आपको धन्यवाद कैसे दूं। जितना विश्वास आपने मुझ पे किया शायद कोई बाप अपने बेटे पे भी नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूं चाचा जी, मैं रुपए पैसे जायदाद का गलत इस्तेमाल कभी नहीं होने दूंगा। सुशील, तुमसे ये भी मैं जरा काम पे जा रहा हूँ। सुशील, कार अभी आती होगी। मैं ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी में हूँ, टैक्सी पकड़ लूंगा। क्या बात मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मगर सुशील अभी तक नहीं आया, वो तो लंच टाइम पे हमेशा आ जाता है। इस वक्त कहाँ रह गया? बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। अगर कोई काम पड़ गया था तो फोन कर देता, कम से कम हमारी परेशानी तो दूर हो जाती। लीना, तुम्हें तो मालूम होगा वो कहाँ गया है। मुझे भी उतना ही मालूम है जितना आप लोगों को मालूम है। हेलो सुशील, कहाँ हो भाई? लंच पे तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। हेलो सुशील, हेलो हेलो, क्या हुआ? लगता है दुल्हा भाई से लड़ाई है। लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं, उसने कहा है वो एक दो घंटे में आ जाएगा। आप सब खाना खा लीजिए, चलो लीना। मुझे भूख नहीं है। चलिए आप लोग तो खा लीजिए। जिस आदमी की सारी जिंदगी लकड़ी के बेंच पर सोते गुजरी हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे सोने के लिए फोम रबर के गद्दे मिलने लगे तो वो इतनी जल्दी यहां से क्यों चला जाएगा? पागल कुत्ते ने काटा उसे। सुशील अभी तक क्यों नहीं आ रहा? मैंने गोपाल और सतीश को बुलाया है, उनको भेजता हूँ। क्या बात है चाचा जी, आपने मैं क्यों बुलाया? सुनो, तुम लोग शिमला का चप्पा चप्पा छान मारो और सुशील को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। हेलो, मैं डीना बोल रही हूँ, जरा पुष्पा को बुलाना। वाह मेम साहब, किसी के साथ बाहर गई है। क्या अभी तक घर नहीं पहुँची? कहाँ गई है? नहीं, मंगेतर के साथ।
और फर्श कर लो। अगर है भी तो तुझे इससे क्या, वो तो तेरा असली पति है नहीं। फिर चाहे मैं उससे फ्लर्ट करूं या कोई और, तुझे क्यों जलन हो रही है भाई? किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंकल, माल रोड, कुफरी, होटल, क्लब, पुलिस स्टेशन, तकरीबन हमने हर जगह उनको तलाश किया, यहाँ तक कई जगह फोन भी किए, लेकिन सुशील का कहीं पता नहीं चला। गजब हो गया, सुशील के बगैर रिसेप्शन कैसे होगा? यही तो समझ में नहीं आता। ए, पुष्पा, वो भाग गया। कौन? कोई सुशील? मेरे जेवर, कैश, जायदाद के कागज सब लेकर चला गया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कसूर मेरा ही है पुष्पा, कितनी घमंडी और मगरूर हो गई थी, अपने की सजा भुगत रही हूँ। उसने मुझसे दीपजी भर के बदला ले लिया, मुझे बेइज्जत करके और मेरे चाचा जी के गले में फांसी का फंदा डाल के चला गया। अब मैं क्या करूँ पुष्पा? मामला काफी गंभीर है, लेकिन तू घबरा मत लेना। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और तू कहती है मैं घबराऊ नहीं? सच सच बता पुष्पा, वो कहाँ है? क्या मालूम बाबा, मालूम होता तो तुझे बता नहीं देती, छुपा कर क्यों रखती मैं? तेरे सिवाय सुलझन का और कौन सुलझ सकता है? अगर तू और सुशील एक दूसरे के कितने करीब थे, कभी कभी मुझे तुम पर शक होने लगता था। पुष्पा, कहीं तुमको उससे प्यार तो नहीं हो गया? छी 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 छी, क्या लीना, क्या मैं इतना गिर सकती हूँ और फिर खासकर तेरे साथ कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े? बुरा ना मानना पुष्पा, जो दिल में आया कह दिया। मेरी सहेलियों में तू ही एक ऐसी है जिसको मैंने जी जान से चाहा। तू तो जानती है ना, आज तक मैंने अपनी जिंदगी का कोई रास्ता से छुपा के नहीं रखा। मुझे तेरे प्यार पे नाज है लीना। तेरा मेरा झगड़ा भी हुआ, तूने मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाए, लेकिन मैं हमेशा जहर को अमृत समझ करती गई। भगवान जानता है लीना कि जो प्यार और भरोसा तूने मुझे दिया है उसका मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझ पर भरोसा रखना। पुष्पा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आज तक तुमने मेरा साये की तरह साथ दिया। इस वक्त मैं बहुत बेसहारा हूँ, मेरी मदद करो। सब ठीक हो जाएगा लीना, बस तू जरा धीरज रख। धीरज के लिए समय नहीं है। बाजे और शहनाइयां बजने शुरू हो गए, धीरे धीरे मेहमान आने लगेंगे, सबको असलियत का पता चल जाएगा। अब मुझ में बर्दाश्त की शक्ति नहीं पुष्पा, मैं अभी जाकर सबको चाचा जी से बता देती हूँ, मुझे जरूर माफ कर देंगे। चाचा जी! सुशील, तुम कहाँ चले गए थे? रिसेप्शन में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी चाचा जी, जरा देर हो गई, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले गए थे? कहाँ से आ रही हूँ? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले मैं वो दरवाजा बंद करना चाहता हूँ ताकि आपकी मीठी मधुर आवाज हॉल में बैठे हुए लोगों तक ना पहुंचे। कितने शीरी है तेरे लब रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। बकवास बंद करो, पहले से ही जानती थी कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम जैसे चालबाज आदमी से तो दुश्मन कभी बचना चाहिए। कितने झूठे और खतरनाक किस्म के इंसान हो तुम। पहले मुझे अपने जाल में फंसाया और यहाँ आते ही मेरे चाचा जी को भी शीशे में उतार लिया और उन्हें मटका लगा लगा कर मेरी जायदाद पर अपने नाम भी लिखवा लिया। मेरे जेवर और मेरे रुपए लेकर यूं यहाँ से किसी के जैसे तुम्हारे बाबा जी का मालूम? कोई जानवर भी तुम्हारी जगह होता ना तो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कभी न करता। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, छठे हुए लोफर हो, गुंडे हो, बदमाश हो। हो चुका, बोल चुकी जितना बोलना था। Thank you.
वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके चाचा जी ने मेरे और आपके नाम सारी जायदाद लिख दी थी, लेकिन मैंने कोर्ट में जाकर बयान देकर सारी जायदाद सिर्फ आपके नाम लिखवाया हूँ। ये देख लीजिए और यकीन आए तो अदालत की मोहर देख लीजिए। और ये रही आपकी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की चाबी, मैंने आपकी सारी ज्वेलरी एहतियात से वहां रख दी है और जाने से पहले एक एक जेवर चेक करा दूंगा। पर वो जो 50,000 रुपया आपके चाचा जी ने मुझे दिए थे ना मेरे और आपके जॉइंट अकाउंट में डालने के लिए, वो मैं आपके अकाउंट में डलवा के आया हूँ। ये रही उसकी रसीद, अच्छी तरह देख लीजिए मेम साहब, बैंक की रसीद। मैं यहाँ आपके पैसे के लालच में नहीं आया था, बल्कि एक मजबूर और बेवकूफ लड़की की मदद करने आया था। जी हाँ, मजबूर और बेवकूफ लड़की यानी आप। हालांकि आप जैसी लड़की किसी रहम के काबिल नहीं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच होता ना तो वो 50,000 रुपए और जेवरात लेकर कब का यहाँ से रफू चक्कर हो जाता। लेकिन दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है शराफत, इंसानियत, हमदर्दी, जिसका आप पर दूर दूर तक साया भी नहीं पड़ा। मुझे देर हो गई आपके मैजिस्ट्रेट की वजह से। अरे हाँ, इसे पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये है हमारा तलाकनामा, अब कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। जी नहीं, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ, ताकि आप जैसी बेवकूफ, जिद्दी और खुदगर्ज लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अब आपकी ये जायदाद, आपका रुपया पैसा, आपका बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब आप ही को मुबारक हो। ओ जीजा जी, कितनी देर कर दी, जल्दी चलिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आता हूँ। जल्दी आओ। चलिए मैम साहब, अब ड्रामे का आखिरी सीन शुरू होने वाला है, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आंसू पहुंच लिए, चलिए। अजनबी हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी, बेवफा होगा कोई उनमें, बेवफा होगा कोई, धोखा हो गया होगा। सुना है फसाने को, पता क्या जमाने को, किसने की बेरुखी। मिले कहीं तो अजनबी हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी। मिले कहीं दो अजनबी, इशारा किसकी जानिब है, ये इशारा किसकी जानिब है, दिल हमारा जिसकी जानिब है, वो भी इसे जाना ना, हमें पहचाना ना,
बात क्या लोगों की, मिले कहीं तो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी, मिले कहीं दो अजनबी। किसलिए ये आँख से डरता है, किसलिए ये आँख से डरता है, बच के शोलों से गुजरता है, कहो दिल दीवाने को तेरे आशियाने को, फूकेगी चांदनी, मिले कहीं तो अजनबी, हो गई उनमें दोस्ती, फिर सुना दोस्तों में हो गई दुश्मनी, मिले कहीं दो अजनबी। लीजिए मैम साहब, आ गए अपनी ओरिजिनल फक्कड़ वाली ड्रेस पे। आपसे जो रुपये लिए थे उनसे जो भी चीजें मैंने खरीदी थी वो सब वहां रख दिया। तो मैं चलूं, जाने का टाइम हो गया। क्यों, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जा रही हूँ। अब दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, तलाकनामा तो मैंने आपको यही दे दिया। लेकिन चाचा जी से क्या कहूंगी, वही जो दिल्ली से लौटने के बाद अब कहने वाली थी। अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है, मेरा काम तो हो गया। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी काबिलियत के मुताबिक किया। मैं जानता हूं मेरी हरकतों से आपको दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन यकीन माने ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। मैंने आपके रुपए, आपका मान, आपकी इज्जत बचाए रखी। अब मेरी तरफ से आपको पूरी आजादी है, अब जिस तरह भी रहना चाहें रह सकती हैं, आप जिससे भी शादी करना चाहें कर सकती हैं। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी आपसे नहीं लूंगा, बस माफी चाहता हूं। लेकिन माफ तो उसे किया जाता है जो अपना ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से तुम यहां थे मुझे अपने से कुछ दूर दूर लगते थे, अब जा रहे हो तो लगता है दिल से कुछ निकला जा रहा है। अरे मैम साहब छोड़िए ये एक्टिंग शेक्टिंग, हमने तो ये ड्रामा दूसरे लोगों के लिए खेला था, आप तो मुझसे एक्टिंग करने लगी। ये एक्टिंग नहीं है बल्कि सच्चाई है। शुरू शुरू में मुझे तुम्हारी बातें और ज़हनत बेशक बुरी मालूम होती थी, फिर धीरे धीरे मुझे तुम्हारी सभी बुराई अच्छी लगने लगी। जब किसी लड़की को किसी मर्द की बुराइयां भी अच्छी लगने लगे तो वो मंजिल बहुत ही खतरनाक होती है मैम साहब। मैं हमेशा ही खतरों से खेलती रही हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है जो तुमसे मुलाकात हुई। अब मुझे छोड़ के न जाओ, भगवान के लिए मुझे भी साथ ले चलो। काफी इज्जत दे रही हो आप मुझे, शुक्रिया।
लेकिन मेम साहब ये काम है बड़ा डेंजरस। एक अमीर और जिद्दी लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो ठहरा है गरीब लोफर और फक्कड़ टाइप का आदमी। और फिर असल में मेन बात यह है मेम साहब कि लड़की और कड़की दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मेरे होते मैं किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। और फिर मेरे पास इतनी सारी दौलत है वो आखिर किस काम की? दौलत जो आपके बाप ने आपके लिए छोड़ी, जिसकी वजह से आप इतनी काहिल और मगरूर हो गई हैं। मेम साहब मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीवी की दौलत में जिंदा रहना पसंद नहीं करूंगा। भगवान के लिए मेरी कीमत मत लगाइए। सिक्कों की मंडी में मुझे नीलाम मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए। तुम जो कमा के लाओगे उसी में खुश रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे में जगह दे दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंसू पहुंच लो लीना, तुम तो अब मुझसे प्यार करती हो लेकिन जानती हो मैं तुमसे उस दिन से प्यार करने लगा जब पहली बार मैंने तुम्हें स्टेशन पे देखा था। मगर अब तक छुप रहा, तुम्हारी जबान से एक लफ्ज सुनने के लिए बेताब था। प्यार दुनिया का सबसे अनमोल शब्द जो अब तक तुम्हारी दौलत की अंबार के नीचे दबा पड़ा था, मगर आज जब तुमने उन सिक्कों को परे फेंक कर इस अनमोल शब्द को गले लगा लिया है तो आओ तुम भी मेरे गले लग जाओ। लीना गाड़ी का वक्त हो गया है, लेकिन ये मनहूस बुढ़ा तुम्हें कहां से मिल गया? अरे बाबा ये कोई बुढ़ा नहीं है, ये मेरे मंगेतर है मोहन कुमार, जिनके संग मैं शिमला में घूमती थी ना, ये वही है। और जिन्होंने तुम्हें देहरादून से शादी के लिए खत लिखे, फोटो भेजे, ये वही है मोहन कुमार, सुशील फार्म देहरादून के मैनेजर। सुशील फार्म? जी सुशील फार्म, जिसके मालिक मिस्टर सुशील कुमार यानी तुम्हारे पति तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये मेरे कजिन है और देहरादून स्टेशन का कोई पुलिस का चाचा नहीं, यह देहरादून के लखपति जनीदार मिस्टर सुशील कुमार। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? सीधी बात है तुम्हें जीतने के लिए। सीधी तरह प्रपोज क्यों नहीं किया? तुम्हारी जैसी टेढ़ी लड़की कभी सीधे तरीके से जीती नहीं जा सकती। लेकिन तुमने मुझे पहले कहाँ देखा था? पिछले साल मसूरी में जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें कौन सी लड़की फर्स्ट आई थी, उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैंने सोचा पिछली सात पुश्तें तो किसी न किसी तरह गुजर गई, लेकिन अब आठवीं पुश्त को चलाने के लिए इस खूबसूरत लड़की का दिल जीतना बहुत जरूरी है। चलिए भी मैंने गाड़ी छूट जाएगी। सुशील अगर तुम खर्राटे बंद करके फौरन नहीं जागे तो मैं तुम्हें सात पुश्तों तक माफ नहीं करूंगी। उठो ना। ठीक, मैं तीन तक गिनती हूँ और अब फिर भी नहीं उठे तो जंजीर खींच दूंगी, सुन रहे हो? एक, दो, My lady commands and it shall be.